थाना पामगढ़ पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से महुआ शराब रेड कार्यवाही कर लावारिस हालात में 310 लीटर कच्ची महुआ शराब, 30 बोरी महुआ लहान एवं शराब बनाने में उपयोग करने वाला 15 नग सिल्वर का तबेला विधिवत कार्यवाही किया। श्रीमान विवेक शुक्ला IPS पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में जिले में अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस जांजगीर द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल, उप पुलिस अधीक्षक अजाक के मार्गदर्शन में थाना पामगढ़ पुलिस आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध कच्ची महुआ शराब बनाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किया, जिसमें मुखबिर सूचना पर दिनांक 28/9/2024 को ग्राम कमरित डेरा में रेड कार्यवाही किया, जो रेड कार्यवाही के दौरान लावारिस हालत में 310 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 46,500 रुपये, 30 बोरी महुआ लहान प्रत्येक में 20 किलोग्राम भरा हुआ कीमती 33,000 रुपये, शराब बनाने में उपयोग करने वाला 15 नग सिल्वर का बड़ा तबेला कीमती 15,000 रुपये, जुमला कीमती 94,500 रुपये का मिला, जिसका पंचनामा तैयार कर आबकारी विभाग के द्वारा विधिवत कार्यवाही की। उपरोक्त कार्रवाई में उपनिरीक्षक मनोहर सिन्हा, थाना प्रभारी पामगढ़, आबकारी उपनिरीक्षक रमेश सिद्धार्थ सांडे, उनकी टीम तथा थाना पामगढ़ के उपनिरीक्षक राम दुलार साहू, सरोज पाटले, महिला प्रधान आर बालमती यादव, आर रज्जू रात्रि आदि लोगों का सराहनीय योगदान रहा। टीवी इंडिया 18 के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड मेला रामकश्यप।